अरे सीन आज तो बहुत सारे। अरे आज तो तू भी आई है, क्यों इतने दिन से नहीं आती थी? हाँ कौन छोड़ना है? कौन छोड़ना है? तो रब्बा तो लेने कौन आएगा? पक्का ये किसका है? तुम्हारा है? यहाँ वॉ लिखना है, ये तुमने प प लिख दिया, ठीक है। ये चोगड़ा तुमने कर दिया, यहाँ ज लिखना है इस तरह, ज। हाँ बेटा रखो, अपने पास रखो। क्या हुआ? हाँ तो 5 बजे छोड़ता हूँ। कौन क्यों लेना है? किसको लेना है? तो किसका भाई है? हाँ तो बोल बोल मत कर बेटा, मुझे काम करने दे। अरे तू तो पहली तारीख को आई, फिर तो आई ही नहीं है। सरस बहुत अच्छे। शादी में जाना है तुझे? है शादी में जाने का? तो तेरी बहन थी, कौन थी वो? तेरी बहन थी वो? तो ऐसे बोलते कि शादी में जाना है, तुम्हें शादी में जाना है। क्या हुआ? किसके साथ? कौन आहिल? इसका नाम आहिल थोड़ा ना, नियाज़ीन तेरा नाम। लो ये किसका है? किसके नहीं? अब किसका बाकी रहा लेसन? तुम्हारा बाकी है लेसन, क्यों नहीं करे बोलो? ए लड़की और छोकरी, लेसन क्यों नहीं करे बताओ? हैं क्यों नहीं करे लेसन? कौन बाकी? अब कौन बाकी रहा? नोट खोल के देने का बेटा। हूँ ये कल का भी देखो बाकी है तुम्हारा, ये भी बाकी है बेटा। इस तरह लेसन तुम बाकी मत रखो, समझ रहे हो बेटा? इसका लेसन क्यों बाकी रहता है? ला मुझे चाहिए था, मुझे चाहिए, अभी मैं दे रहा हूँ। ला छोटा सा रखो। आज पढ़ना है गणित, तुम्हारे नोट है, लाइए मुझे दे दीजिए नोट। नहीं वो यहाँ बैठता है चाची, ये दूर रहते हैं तो यहाँ ही बैठता है, लेकर जाता है वो वहाँ रहते वो बाजू। बेटा आवाज मत करिएगा, ये
चले गए वक्त मैंने तुम्हें 1 से 5 इस तरह लिखाए थे, पता है? लिखाए थे मैंने नोट में बेटा। कौन था? तुम थे, तुम थी, फिर कौन था? तुम थे, तुम थी। ये मैंने 1 से 5 खुद से लिखने को एक एक करके बोला था, वो तुम थे ना। हाँ, तो आज है ना मैं ये चालू करूँगा यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ से चालू करेंगे आज बेटा। अभी नोट तुम्हारी सबकी है ना, वहाँ पीछे रख दो। बस ऐसे रख दो नोट। चले सबकी खुद की नोट रख दो बेटा। हाँ बेटा, यहाँ कौन से बेटा इतना सारा? ए बेटा असद, असद वहाँ कौन है बेटा? बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, कोई बोला न मम्मी आए करके को भाग के गया। कौन बेटा? अभी पढ़ाई करने दो बेटा, जाओ ना अपने अपने घर जाओ बेटा। ठीक है, अब यहाँ बैठते हैं। चलिए बेटा अभी लाओ नोट, नोट रख दो बेटा। चलिए कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से शुरू करना है। कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। अभी आपने 5 तक को गिनती करी थी, ठीक है। मैंने ये भी सिखाया था, जैसे मैं मेरी पाटे निकाल देता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, मैंने आज ऑनलाइन में ये वाला लेसन दिया था। कौन कौन जुड़े थे आज ऑनलाइन में? तुम कहाँ जुड़े थे ऑनलाइन में? फोन में कहाँ जुड़े थे मेरे साथ पढ़ाई में? क्यों नहीं जुड़ते? ये क्यों? अच्छा हाँ ठीक है, आज क्यों नहीं जुड़ी? आज क्यों नहीं जुड़ी? आज मेरी मम्मा फोन लेके गए थे। ठीक है, तो लेसन क्यों नहीं करा? कल से करना, ठीक है बेटा। तू वहाँ बैठ जा, बोल बोल मत कर बेटा। लेने आ जाइएगा। हाँ बस बेटे, ऐसे खिसक जाओ, ऐसे खिसको थोड़ा, ऐसे खिसको बेटा थोड़ा। वहीं बैठ जाने दो हिना को, हिना को वहीं बैठ जाने दो, ठीक है। अभी देखिए अपने जो पढ़े थे वो 5 तक अपने लिखे भी थे। एक कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखना आ गया है, मैंने लिखाए थे याद है? हाँ, लिखना घर जाकर। मैं आज वापिस ऐसा ही लेसन देने वाला हूँ, ठीक है। एक हाँ वापिस लिखना है बेटा, बे बराबर बेटा। वहाँ उसको बैठ जाना दे, हिना को, हिना को वहाँ बैठ जाना दे, ऐसे हट जाओ थोड़ा। बस फिर लिखना है 3 अचार चार, 5। ए बेटा जाओ ने बेटा, यहाँ से बेटा तुम्हारा घर है, जाओ ने बेटा। तुम यहाँ बैठे उससे ज्यादा तो बातें करते हो। बराबर यहाँ है 5, ठीक है। अपने यहाँ तक पढ़े थे, अब यहाँ से आगे पढ़ना है 6, 7, 8 और 9 तक पढ़ना है। हाँ अब 9 तक पढ़ना है। देखिए ये औरत और आदमी का चित्र है, है ना। तो अब सबको गिनना बेटा, सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ। ए नहीं,
हाथ मत रखो, मैं रखता हूँ। एक बे त्रण चार पांच छ। तो देखिए छ कैसे लिखते, देखिए हाँ देखिए यहाँ से शुरू करना है, देखिए यहाँ से शुरू करके और थोड़े पीछे खिसको, थोड़े 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 बेटे इस तरह बैठ जाओ, इस तरह बैठ जाओ, इस तरह बैठ जाओ, इस तरह बैठ जाओ, तू यहाँ आ जाओ, हाँ बस उस तरह बैठ जाओ, बराबर यहाँ तुम्हें सबको देखे इसी तरह मैं बैठा हूँ, ठीक है। तुम्हें सिर्फ देखना है, अभी कुछ लिखना तो है नहीं, सिर्फ देखना है। अब देखो इस तरह लिखो, इस तरह बैठ जाओ, देखिए छः किस तरह लिखना है, यहाँ से शुरू करके ऐसे नीचे जाना है, नीचे जाकर ऐसे गोल घुमा के वापिस इस तरह आ जाना है, छः समझ रहे हो। देखिए मैं यहाँ लिख के बताता हूँ किस तरह बेटा, यहाँ अर्शिन छः किस तरह लिखेंगे, मैं यहाँ तुम्हारे लिए लिखता हूँ, यहाँ ये जो देखते हैं उनके लिए, ठीक है। देखिए पहले इसे गोल करना है, फिर ये गोल करके इस तरह छः, और तुम्हारे लिए बताता हूँ इस तरह, देखिए देख रहे हो ये है छः, ये बराबर देखिए किस तरह। तो सबसे पहले आधा गोल करना है, आधा गोल करके ऐसे गोल गोल करके फिर वापस लपटी मार के नीचे, बहुत अच्छे लपटी मार के नीचे, यहाँ भी है छे छे है कि नहीं, हाँ छे बराबर। यहाँ देखो कितने तरबूज है, ये गिनो तो, नहीं हाथ मत रखो, हाथ मत रखो, मैं पेन रखूंगा तुम्हें, नहीं नहीं बेटा मैं रखूंगा उससे उस हिसाब से गिनो, एक दो नहीं एक बे, हाँ एक बे त्रण चार पांच छ छ थैंक यू छ। तो देखिए यहाँ टपके टपके दिए, देखिए छ को कैसे लिखना है उसके टपके टपके दिए है कि नहीं है ना। तो यहाँ से टपके टपके को इस तरह जोड़ते जाना है, ऐसे गोल घुमाकर अर्शिन बोली ऐसे लपटी मार के नीचे, लपटी मार के नीचे है कि नहीं छ। वापिस मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, देखिए छ पहले इसे गोल करके फिर वापिस गोल करके यहाँ लपटी मार के इसे छे, ठीक है छे। अब फूल केटला छे गणवानो, गुल गुल गुलाब सा, हाँ एक बे बेटा उसको देखना दो, उसको देखना दो, एक बे आगे आगे नहीं आगड़ागढ़ नहीं, चलो फरी बार, एक बे त्रण चार पांच छ। देखिए वापिस यहाँ छे लिखना है, छे है तुम्हारी नोट है ना, साथ में लो तो देखो तो तुम्हें छे लिखना आता है, छे लिखो तो ले लो नोट, नोट ले लो सब, खुद की नोट ले लो, तो मेरी नोट तो वाली है, ये नोट किसकी है, हाँ खुद खुद की नोट ले लो, ये नोट किसकी है, चलिए ये नोट किसकी है, ये नोट किसकी है, तुम्हारी लो, चलो नोट ले ली सब, खुद की नोट ले लो, चलिए पेंसिल निकालो, और मैंने जहाँ तक लिखा है तो उसके पीछे वाले पाने में लिखना शुरू करो, चलिए यहाँ तुम है ना, जैसे पाना अपने बस यहाँ लिखो, ठीक है छ लिखो तो छ, छह लखो तो थोड़े छोटे छोटे बैठो, थोड़े पीछे पीछे बैठो, थोड़े पीछे पीछे बैठो और थोड़े पीछे बैठो, बस तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ जाओ, नजदीक आ जाओ और नजदीक आ जाओ, तुम बेटे पीछे जाओ, तुम थोड़े और पीछे जाओ, बोल बोल मत करो, एक मिनट एक मिनट बोल बोल मत बेटा, उस बाजू फंस जाओ, यहाँ बैठ जाओ, छह लखीन मन बताओ, चलो छह लिख के मुझे बताओ कौन से लिखो, अरे लिख के बताओ, लिख के बताओ, छह लिख के बताओ, देखिए सबसे पहले क्या करोगे छह लिखने के लिए, मैं वापस बताता हूँ यार, देखिए देखिए यहाँ मैं बताता हूँ, देखिए पहले ऐसे आधा गोल करना है, आधा गोल करके ऐसे गोल करके नीचे, ये देखिए मैं सीधा कर देता हूँ, ये तुमने दो करे, ये तो तुमने बगड़ा करा, बे करियो,
ये उल्टा करो इस तरह छ, और पूरी लाइन लिख के दो, छ की पूरी लाइन लिख के दो। चलो ये तुमने भी उल्टा करा, हाँ पूरी लाइन लिखना है, ठीक है। यहाँ से छ लिखो इस तरह बेटा फैजान, यहाँ से छ लिखो इस तरह, हाँ लो जाओ पूरी लाइन लिखो, लिखो पूरी लाइन, लाओ किसने लिख दी, ये तुम खड़ी लाइन मत लिखो बेटा, खड़ी लाइन ऐसे लिखोगे तो पूरी पूरा पाना बिगड़ेगा, ठीक है। और ये पाना क्यों छोड़ दिया है, छे ये ऐसे इस तरह पूरी लाइन लिखो, ठीक है। और कल से पेंसिल लाया करो बेटा, पेन मत लाओ तुम, ये बाकी है तुम्हारा लेसन, क्यों यहाँ से लिखो, देखिए छे इस तरह देख देख के लिखो, छे लाओ, हाँ बेटा पेंसिल दी, बहुत अच्छे। फिर बेटा वापिस उसे दे देना हो पेंसिल, बेटा नियाज यहाँ से छे पूरी लाइन में लिखो तो छे, बेटे इस तरह नहीं लिखते, यहाँ इस तरह नहीं लिखते, इस तरह लिखना है, ठीक है। अभी तुमने ये बगड़े बे करे, दो लिखे, दो नहीं ये गलत है, ये उल्टा करो, छ छ लिखो इस तरह, तुम भी लिखो बेटा, हाँ बैठे मत, हाँ तो पेंसिल है बेटा, किसी और के पास पेंसिल है, दो पेंसिल है, दो पेंसिल, दो पेंसिल हो तो वहाँ बैठ जाओ ना बेटा, हेलो हेलो हो गया बेटा, अब तुम जाओ, हाँ एक मिनट मुझे बेटा, अभी अभी बेटा लिखो बेटा, लाओ यहाँ देखो बेटा कामिल, यहाँ लिख के मैं देता हूँ, हो यहाँ छे, लो ये छे देख देख के ऐसे आड़े छे छे लिखो, लाओ कहाँ लिखा, क्यों नहीं लिखा, अगर जिसको आता है वो तो लिखना चालू कर दो, मेरी राह मत देखो, हो छे यहाँ पूरी लाइन में लिखो छे, हाँ बस बहुत अच्छे तुमने लिख दिए अर्शिन, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, लाओ गुलशिफा कैसे लिखा, हाँ लिखो, यहाँ नहीं लिखना है बेटा, यहाँ से लिखो, यहाँ लिखो, ठीक है वो भले रहा, अभी मिटाओ मत, यहाँ लिखो, ये उल्टा करा तुमने, उल्टा नहीं करना है, ये क्यों पीछे से बेटा चालू करते हो, तुम्हारी नोट ही पूरी भर गई है, यहाँ लिखाता हूँ, ठीक है, लो छे इस तरह लिखो पूरी लाइन में, छे लाओ किसने लिखे, तुम्हारा बाकी है, लो बेटा लो 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 गुलशिफा, लो लिखना शुरू करो, लाओ बेटा कैसे लिखे बताओ, छे बस ऐसे ऐसे देख देख के लिखो बेटा, हाँ बहुत अच्छे लिखो, कैसे लिखे तुम, हाँ बहुत अच्छे लिखते जाओ, लिख दूँ एक बार, लाइ यहाँ देखिए छे लिखना शुरू करो देख देख के, हाँ चलिए छे 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 पूरा लिख दो, तुमने तो बहुत जल्दी से लिख डाल दे, कल से पेंसिल लेकर आइएगा बेटा, पेन मत लाइए, हाँ पेन नहीं लाना है बेटा, पेंसिल से लिखो, छे लिखो लिखो बेटा, जैसे आता हो वैसा लिखो, तुम्हें थोड़ा पहली बार लिख रहे हो तो थोड़ा तो बेटा दिक्कत रहेगी, हाँ लिखो थोड़ी देर लिखो, लिख लिए बहुत अच्छे शाबाश, अब ये पूरा मिटा दो, माहिन ने लिख लिए, ठीक है, अरे तुमने भी लिखा बहुत अच्छे, लिखो लिखो अभी और लिखो, यहाँ जगह है और लिखो, पूरा नहीं लिखना है बस बेटा यहाँ तक, यहाँ मत लिखो, ठीक है चलेगा, नहीं नीचे नहीं वहां तक, हो गया बहुत अच्छे, कोशिश करो बेटा लिखना, कोशिश करो, हो गया बहुत अच्छे फलकनाश, अभी और दो तीन लिखा जाएगा, यहाँ दो तीन और लिखो,
नहीं अभी लिखा है तो लिख दो, पर अब से नीचे मत लिखना। हाँ ठीक है, लिखो तो बेटा। हाँ लिखो बस, बहुत अच्छे। नहीं अभी भी तुम गलत कर रही हो, देखिए ये तुम उल्टा कर रही हो बेटा। ये तो तुम दो लिख रही हो, दो दो मत लिखो, दो को उल्टा करो इस तरह, पहला आधा गोल इस तरह करो, फिर ऐसे गोल घुमाकर फिर नीचे ले जाओ, छे ठीक है। यहाँ लिखो, लो इसके ऊपर पहले लिखो तो चौक, इसके ऊपर पहले लिखो तो छे, लिखो लिखो ऊपर ऊपर लिखो, बहुत अच्छे बेटे। पूरा पाना तूने बिगाड़ दिया, इतना सारा नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही। बहुत अच्छा, अब लिखो तो। हाँ बस चलो ठीक है, चलिए एक मिनट, अभी नोट तुम्हारे पास रखे, अभी इसमें चोपड़ी में ध्यान देना है बेटा, फलकनाज अब इसमें ध्यान देना है, चोपड़ी में। हाँ बहुत अच्छे, अब चोपड़ी में ध्यान दो, अभी नोट एक मिनट के लिए बीच में पेंसिल रख के बंद करना है। नोट किस तरह बंद करना है, जब भी मैं नोट बंद करना बोलू ना, तब बीच में पेंसिल रखना है, हाँ फिर बंद करना है, इस तरह बंद करना है, ताकि जब मैं वापस लिखाने को बोलूं तब वही पाना निकले, समझे। बीच में पेंसिल रख के नोट बंद करो, बीच में पेंसिल रखो और नोट बंद करो, बस चले बीच में। अब ये देखिए यह तितलियां है बेटा, यहाँ देखो तितली है, अब यहाँ ध्यान रखो, है तितली, गुजराती मैंने कहा है पतंगियों। तू बैठ जा बेटा, तू बैठ जा, उसे तू चली जा घर, जा वो आ जाएगा, जा ला जा, तू जा घर, जा फटाफट जा, ठीक है। अब पतंगियों क्या है गुजराती माँ, गुजराती माँ ने इसको तितली को क्या बोलते हैं गुजराती में, पतंगियों, पतंगियों, बहुत अच्छे। अब यहाँ ध्यान रखो बेटा, नोट पेंसिल बीच में रखो और बंद कर दो, हाँ बस। अरे ऐसे नहीं, बीच में पेंसिल रखना है फिर बंद करना है, ऐसे नहीं बेटा, यहाँ पेंसिल रखो, बीच में पेंसिल रखो, हाँ रखो बस, अब यहाँ ध्यान रखो, अब यहाँ ध्यान रखो, चलो बस अभी यहाँ ध्यान रखो, सभी बच्चे का ध्यान यहाँ, सभी बच्चे का पहले ध्यान यहाँ, बस अभी पतंगियों, ठीक है। कितने हैं वो गिनने हैं, ठीक है, कैसे ऐसे चालू कर दिए तुम, हाँ एक दे त्रण चार पांच छ सात, तो देखे सात किस तरह लिखा जाता है, बहुत इजी है, ऐसे सीधा गोल करके नीचे और आधा गोल घुमा देना है, इस तरह, ठीक है। नीचे फूल कितने, नीचे फूल कितने वो गिनना है, ठीक है, नीचे फूल कितने हैं बेटा कामिल, यहाँ गिनो, एक बे त्रण चार पांच छ सात, तो देखो सात टपके टपके याद ये, उसे भी जोड़ना है, देखो बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए बेटा सात किस तरह का। कामिल तुम घास देखो, फिर तुम गड़बड़ करते हो लिखने में, देखिए सबसे पहले इस तरह गोल करना है, गोल करके नीचे से ऐसे नीचे जाना, नीचे जाके और गोल करना है, सात ऐसे गोल करके और गोल सात, ठीक है। अब सबसे सबसे हाँ देखिए मैं अभी देखूंगा लिखने, आप जब लिखोगे तब, और नीचे देखिए एप्पल है, सफरजन है कि नहीं, आप हिंदी में बोलते हो सेब, सेब बोलते हो ना, इंग्लिश में बोला जाता है एप्पल, एप्पल भी बोलते हो ना तुम, हाँ, नहीं बोलते, एप्पल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सेब, हाँ हिंदी में बोलते हैं सेब, और गुजराती में बोलते हैं सफरजन, क्या बोलते हैं सफरजन। तो अब कितने हैं वो गिनो, एक दो तीन चार पांच छह सात, बहुत अच्छे सात, तो अब यहाँ से वापिस गोल करके हमें लिख देना है सात, इस तरह। मैं यहाँ लिख के बताऊं सात किस तरह लिखा जाता है, देखिए
वो मेरा चौक कहाँ गया? इसी यहीं कहीं था, ये रहा। देखिए सात किस तरह लिखा जाता है, देखिए बेटा कामिल तुम यहाँ ध्यान रखो। सबसे पहले इस तरह गोल करना है और गोल करने के बाद इस तरह, ठीक है, यहां से शुरू करके यहां फलकनाज, यहां देखो, यहां से शुरू करके इस तरह, सिर्फ देखना है बेटा फलकनाज, यहां से शुरू करके इस तरह सात, क्या बोलते हैं इसे, सात, ठीक है। अब नोट खोलो और सात लिखना शुरू करो खुद से, अगर किसी को ना आता हो तो बोलो मैं उनको एक बार लिख के देता हूँ। वहां नहीं, यहाँ नहीं, नीचे नीचे लिखो, नीचे लिखो, अब जो लिखा है उसके यहाँ नीचे ही लिखना है, उसके नीचे लिखना है। मैंने अभी कहाँ लिखा है, थे तुमने छे यहाँ ही लिखा है ना, बस उसके नीचे ही लिखना है सात। देखिए मैं यहाँ लिख के देता हूँ सात, चले सात की लाइन करो, पूरी लाइन लिखो, लाओ जिसको लिख, हाँ लाओ, हाँ देता हूँ सात, ठीक है सात लाओ, यहाँ सात, ठीक है सात लिखना शुरू करो। तुम्हें आता है कि मैं लिख दूँ? रुको रुको एक मिनट, हाँ बस आता है, पूरी लाइन लिख दो, बहुत अच्छे मानी, यहाँ ही लिखो, हाँ सात यहाँ ही लिखो, हाँ एक ही लाइन लिखना है, इसे पाना मत बिगाड़ना पूरा, लाइए और किसी को लिख के दूँ, हाँ बस लिखो, बहुत अच्छे। अभी देखिए ये पूरा सुधारना है, ये तुम साथ लिखते हो तो ये गोल करके ऐसे नहीं करना है, गोल करके सीधा ही ऊपर ले जाना है, ठीक है, ऐसे गोल करके ऐसे, ये गलत है, ये गोल करके सीधा ही ऊपर, साथ 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 पूरा लिख दो। चलो लाइए, तुम कैसे लिख रहे हो, लिखो बेटा, लिखो, बैठे मत रहो, तुम कैसे लिख रहे हो बेटा? ऐसी पेंसिल पहले तो तुम वापरना ही बंद कर दो, तुमने कुछ भी नहीं लिखा, ऐसी पेंसिल वापरना ही बंद कर दो बेटा, ये बच्चे वापरते ऐसी पेंसिल वापरो, ठीक है। कैसे लिख रहे हो, सात आ रहा है बेटे, तो ऐसे मत लिखो, ये बात गलत है, इस तरह लिखना है, ठीक है, यहाँ नहीं लिखना है, इस तरह लिखना है, और ये ब्लू लाइन है ना, ब्लू लाइन के इस बाजू लिखना है, हाँ लिखो। तुम कैसे लिख रहे हो इना बताओ, हाँ लिखो, बहुत अच्छे, हाँ बस लिखना शुरू। ये जो ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन बेटा, ब्लू लाइन के इस बाजू मैं ही लिखूंगा, तुम्हें नहीं लिखना है, ठीक है, अभी भले रहा, तुम ये लिखो, हाँ ये बराबर है, ये गलत है, ये मिटाओ और ये वापिस इस तरह लिखो, हाँ ये बराबर है, लेकिन अब बता देता हूँ, अभी ये लाल लाइन है ना, लाल लाइन की इस बाजू मैं लिखूंगा, तुम्हें तो यहाँ से ही शुरू करना है, ठीक है, यहाँ तुम यहाँ मत लिखना, ठीक है, लो लिखो बेटा, लिखो सात, लिखो बहुत अच्छे, लिखो बेटा, हाँ बेटा, हाँ हो गया, अभी बस अभी हो गया, तो बैठो बताओ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चले बेटा चलिए लिखना शुरू करो जोया। तू बेटा इस तरह ये रगड़ा रगड़ा मत कर, इसके ऊपर ले, इसके ऊपर पहले घुट दो, सात कैसे लिखते, इसके ऊपर पहले लिख दो, लिख दो, हाँ बस लिख दो, अभी और पांच बार लिख, हाँ लिखते जाए इस तरह, हो गया, अब यहाँ लिखो, चलिए अब यहाँ लिखो, यहाँ नीचे लिखो, चलिए पेंसिल से लिखो, हाँ बहुत अच्छे, देखिए ये सबसे सही है, ये अभी थोड़ा गड़बड़ है लेकिन ये सही है, ठीक है, ये और नीचे लिख डालो एक बार, हाँ लिखो, बहुत अच्छे लिखो, हाँ बेटे मैंने देखा, बहुत अच्छे लिखो, बहुत अच्छे माहिन, ठीक है लिख लिए, सात की लाइन पूरी हो गई, चलिए पेंसिल बीच में रखिए, नोट बंद करिए, हाँ हाँ बस बहुत अच्छे, अब एक का, हाँ एक काम करिए, पेंसिल बीच में रखिए, नोट के बीच में, और नोट बंद करिए,
अब बाद बाद में लिखना, बाद में लिखना, अभी बंद करो। हाँ ठीक है, बीच में चलिए। अपने पढ़े छ, सॉरी छ गुजराती में छ, हाँ छ तो हिंदी में होता है, अपने अपने भण्यु छ अने सात, छ अने सात। तो अब आता है छ और सात के बाद, यहाँ बीच में पेंसिल रखो, हाँ और नोट बंद करो। अरे प्रभु, हाँ पेंसिल रखो, नोट बंद करो, बस। चलिए अभी यहाँ आओ, यहाँ आओ। चलिए अब देखिए, हाँ भले रहा। अब है आठ, देखिए आठ किस तरह लिखते हैं। ये आठ 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 गिनना है और फिर यहाँ लिखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपने गिनते गिनो, ये दफ्तर कितने हैं वो गिनना है, ठीक है। एक मिनट फलकनाश, यहाँ ध्यान रखो, एक बे त्रण चार पांच छ सात आठ, बहुत अच्छे। तो आठ देखे किस तरह था, कोई आता नहीं, यहाँ तुम ध्यान रखो। अब देखिए आठ तो बिल्कुल लीजिए, नीचे से चालू करके ऐसे ऊपर तक जाना है, फिर भी ये पेड़ कितने वो गिनना है, ठीक है। एक दे त्रण चार पांच छ सात आठ, बहुत अच्छे। तो आठ देखिए नीचे टपके टपके दिए, नीचे से चालू करके ऊपर इस तरह आना है, आठ हो गया। अब योर किताब कितनी है वो भी गिनना है, ठीक है। एक बोलो, एक बे त्रण चार पांच छ सात आठ, तो आठ अपने इस तरह लिखेंगे, आठ, ठीक है, हो गया आठ। मैं वापिस एक बार तुम्हें इसमें लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें किस तरह लिखेंगे देखिए बताता हूँ, ध्यान से देखिए। नीचे से ऐसे शुरू करके ऐसे आठ, बहुत इजी है ना, नीचे से शुरू करके ऐसे आठ, ठीक है। मैं यहाँ भी बताता हूँ देखिए, मैं यहाँ भी बताता हूँ देखिए, हाँ नीचे से शुरू करके ऐसे आठ, ठीक है, आ जाएगा। चलिए नोट खोलिए और आठ लिखना शुरू करें, जिनको ना आता हो। ले बेटा तू पहले इसके ऊपर लिख, हाँ तू पहले इसके ऊपर लिख, ये नोट रहने दे वहाँ, सात के नीचे लाइए, मैं लिख के देता हूँ आठ, ठीक है। चौकीरा इसके नीचे है आठ, लिख के दो ऐसे आठ आठ, लिखना शुरू कर दो। चलो नहीं बेटा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मैं यहाँ लिख के देता हूँ, ठीक है आठ, ठीक है, ये गलत है, यहाँ नीचे से शुरू करके इस तरह, ठीक है, नीचे से शुरू करके इस तरह, लो ऊपर से शुरू नहीं करना है, नीचे से नहीं बेटा, वो गलत है, तुम ऊपर से शुरू करते हो, वैसे है सही, गलत नहीं है, लेकिन नीचे से शुरू करके इस तरह लिखो, नीचे से शुरू करके इस तरह, ठीक है, नीचे से लो लिखना शुरू करो। नहीं बेटा लाता नहीं माना है, ठीक है, ये आठ हो गया, देखिए नीचे से शुरू करके इस तरह आठ, ठीक है, हाँ लिखो, लो नीचे से शुरू करके इस तरह आठ, ठीक है। ये आठ की जो डंडी है ना छिल्ली, वो लंबी होनी चाहिए बेटा, लाइए लिख के दूं, यहां से नीचे से शुरू करके आठ की डंडी लंबी करना है आठ, ठीक है, लो। ये तुम उल्टा, वापिस तुम उल्टा लिखने लग गए भाई, अरे इस तरह लिखो, तुमने लिखा, हाँ चलो लिखना शुरू करो, तुमने लिखे, तुमने लिखे, नहीं लिखे, सर मेरा बराबर, यहाँ आठ, सर मेरा हो गया, सर मेरा नहीं, अभी और लिखना है, दो दो लाइन लिखो, ऊपर नीचे दो लाइन लिखो, चलिए मैंने ऊपर लिख दी, हाँ नीचे अब लिखो, और मेरे भी ऊपर लिख दिया, हाँ अब नीचे, चलिए रख दो, अब पेंसिल बीच में रख के नोट बंद करो, चलिए सर मेरा हो गया, हाँ बस पेंसिल बीच में रख के नोट बंद करो, हाँ पेंसिल बीच में रखो और नोट बंद करो, हाँ बेटा,
पेंसिल बीच में रखो अलीजा, कितनी बार बोलो बेटा, और नोट बंद करो, फिर बाद में लिख लेना। हाँ फिर बाद में ले, बाकी रह गया तो कोई वांधा नहीं, मैं कोई मारूंगा थोड़ी ना तुम्हें। हाँ आप फिर लिख देना, जब मैं अभी नो लिखने को बोलूं तब लिख देना, टाइम बचे तो। ठीक है अब देखिए आठ के बाद आता है नौ, ठीक है नौ। बेटे तुम इस तरह बैठोगे तो वो कैसे देखेगी, कैसे झुक के मत बैठो, ठीक है वो भी देखे। चले बेटा नौ गणवानो से, सबसे पहले क्या है बताइए, किसका चित्र है बताइए, एक एक में ये किसका चित्र है वो बताइए। इंसान, बहुत इंसान, आदमी सब आदमी है बराबर, इंसान है। चले तो इंसान का चित्र, कितने इंसान खड़े वो अभी गिन दे, एक बे त्रण चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ इंसान है। तो नौ कैसे लिखते, बराबर चलो नौ हो गए, तो नौ नौ कैसे लिखते है, इजी बहुत। हाँ पहले यहाँ ऊपर से यहाँ नीचे से गोल करना है, फिर एक लीटी करना है, नौ ऊपर से इस तरह गोल करना है, ऊपर से करना है, कहाँ से ऊपर से गोल करके इस तरह लीटी कर देना है, लीटी को अड़ाना नहीं, बराबर समझिएगा, लीटी को अड़ाना है। देखिए ये लीटी, ये देखिए ये लिट्टी यहाँ अड़ानी नहीं है बेटा, तुम इससे बैठोगे वो बेटा, तू भी यहाँ देखो बेटा, ये लिट्टी को यहाँ दिखाना नहीं, अड़ाना नहीं है, ठीक है थोड़े दूर रखना है। देखिए ये कैसे दूर है, ठीक है आधा ऊपर से इस तरह करके, आधा इस तरह ऐसे करके गोल करके इस तरह, ठीक है ऊपर से, अभी नहीं अभी पहले ये, अभी चिड़िया कितनी वो गिनना है, एक बे त्रण चार पाँच छ सात आठ नौ। तो देखिए ये नौ, देखिए यहाँ टपके टपके दिए, तो ऊपर से टपके को जोड़ते हुए नीचे जाना है और फिर इस तरह लिट्टी करना है, लेकिन ये लिट्टी और ये गोल है ना जो आधा गोल, उनको अलग रखना है, अड़ा के नहीं करना है, ठीक है और बहुत दूर भी नहीं करना है, बहुत दूर भी अंदर जोड़ना नहीं, और बहुत दूर भी नहीं करना है, इस तरह ऐसे आधा गोल करके छेक, यहाँ लिट्टी ऐसे नहीं करनी है, समझ भी, इस तरह छेक दूर ऐसे लिट्टी करोगे तो नहीं चलेगा, इस तरह गोल करके थोड़े नजदीक से अंदर से लिट्टी निकाल ली, बहुत अच्छे बराबर। तो कंपास में ध्यान रख, अभी यहाँ ध्यान रखो, चलो घर कितना है गिनना है, चलो एक बे त्रण चार पाँच छ सात आठ नौ, वापिस यहाँ ऊपर से इस तरह करके ऐसे लिखे, मैं अब तुम्हें यहाँ लिख के बताता हूँ, देखिए बराबर समझिएगा, ऐसे 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 तुम जो इस तरह करो ना, आधा गोल करो ना, तो छेक दूर नहीं करना है, यहाँ अंदर से बस इस तरह नौ, अंदर से करना है, अंदर से करना है, समझ रहे हो बेटा, यहाँ ध्यान रखो, अंदर ध्यान रखो, अंदर से करना है। कभी कभी कोई बच्चे कैसे करते हैं पता है, देखे बेटा माइंड तुम देखो, यहाँ इस तरह करते हैं फिर यहाँ करते हैं, तो ऐसे ये तो गलत हो गया, यहाँ इतने दूर नहीं करना है, कोई कोई बच्चे ऐसे करता है, यहाँ छू के करता है, ये भी गलत है, छू के भी नहीं करना है, ऐसे दूर भी नहीं करना है, लेकिन इस तरह आधा गोल करके अंदर करना है, तो बहुत आसान है। चलो समझ गए, पक्का लिखना शुरू करो, तो लो बेटा पहले तुम ये लिखो, अरे तुम लिखो तो सही पहले, हाँ गोटो लाओ, किसको लिख के दू, नौ लो, और किसको लिख के दू, लाओ जिन जिन को लिखना है मुझे दे दो नोट, चलिए बैठे मत रहिए, चलिए लाई, हाँ बस लिखना शुरू कर, तो बहुत अच्छे, चलिए नौ लो बेटा लिखना शुरू करो, लाओ हाँ उसके नीचे ही लिखना है, नौ लो, नौ तुम्हें तो आता है, ठीक है
इसे भी आ गया। अब तुम्हें आ रहा है बेटा? ठीक है, अब से याद रखो बेटा, लाल लिट्टी के इस बाजू नहीं लिखना है, ठीक है? वहां नहीं, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ सिर्फ मैं लिखूंगा। हाँ बस यहाँ पूरी लाइन लिखना है, ठीक है? नौ ये बराबर है नौ, ठीक है? यहाँ लिखना शुरू कर दो। चलिए नौ। अलीजा कैसे लिख रही हो? लिख रही हो? चलो लिखिए, दो दो लाइन लिखे, दो लाइन लिखे, एक लाइन लिख जाए तो दूसरी नीचे और एक लाइन लिखना है। हाँ चलिए अब नोट में लिखो, अब नोट में लिखो। हाँ बेटा, हाँ बस लिखो, बहुत अच्छे। यहाँ लिख के देता हूँ, चलिए नौ लिखना शुरू करो। हाँ चलिए, आज आज तो हम क्या, आज का लेसन मैं अब दे रहा हूँ तुम्हें, मैं इसी तरह एक से नौ तक लिखने को दूंगा, ठीक है? चलिए एक एक करके मैं सबको लेसन, किसका लिख लिए लाइए। हाँ नहीं नहीं, और एक लाइन लिखना है, नहीं एक एक करके जिनको मैं लेसन, एक एक करके, ठीक है? हाँ बेटे यहाँ लिखना है छः, अरे एक से शुरू करेंगे, ठीक है? एक बे त्रण चार पाँच छ सात आठ नौ, इसी तरह पूरी लाइन लिखना है, ठीक है? हाँ एक मिनट में सबको लिख के देता हूँ, लो रखो, तुम्हारे दफ्तर लाए हो तो दफ्तर बंद रखो, दफ्तर बंद करो दफ्तर लाए हो तो। बस बेटा देखे, तुम बोल बोल मत करो, मैं एक हाथ है मेरा, अब इतने इतने सारे बच्चों को मैं किस तरह लिखाऊं, तो एक एक करके मैं लिख के दूंगा ना बेटे। बेटा तुम लेसन लाओगी नहीं ना? लेसन लाना है हो? ये पूरी लाइन इसी तरह लिखना है, लो तुम्हारे। हाँ बेटा वो पेंसिल वापिस दे, ये किसका है? ठीक है, जिनने जिन्होंने जिसकी पेंसिल ली हो वो पेंसिल ले लो वापिस। देखिए आप वापिस बोलने लग गए, शांति से बैठो बेटा, अभी कोई जल्दी नहीं है। हाँ शांति से बैठो, अब एक से नौ तक घर से लिख के लाना है, ठीक है? ये आज का लेसन है। हाँ और तुम्हारा, हाँ लेसन ले लिया बेटा? लिया बेटा, है ना? हाँ चाहिए। अब सोमवार सीधा, सोमवार हो? सोमवार ये किसका है नोट? ठीक है लो, ये लेसन है आज का। तुम्हें लेसन दे दिया? नहीं दिया, ठीक है। देखिए बेटा मैं सबको दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ बस अब बैठो, मैं एक एक करके सबको लेसन दे रहा हूँ। हाँ बाय बेटा, बाय बाय। हाँ बेटा लो, ये किसकी है नोट? लाइए तुम्हें। आप आज तो लेसन लाना है कि नहीं लाना है? हाँ बेटा दो दो लिख लिए, बहुत बोलता है तू। लो लो, ये किसकी नोट है? लो माहिन, तुम काम अच्छा करती हो बेटा, यहाँ नीचे लेता हूँ लेसन। हो तुम्हारे पास चोपड़ा है तो नीचे ही लेसन देता हूँ मैं। आ
हाँ लो, तुमने लिख लिया लेसन, मैंने दे दिया, जाइए। सर मेरा। लाओ बेटा तुम्हें लेसन दे दूँ, लाओ तुम्हारा भाई खड़ा है, चलिए। आज लेसन लाओगी ने? लेसन ना, कल मुझे लेसन चाहिए हो बेटा, जोया। हाँ जो बाकी है वो भी लिख के लाना। लो ये ले जाओ लेसन, लो। सर मेरा। और किसका लेसन बाकी है? तुम्हारा बाकी, मैंने लेसन दे दिया तुम्हें, ऐसे लिख के दे दिया तुम्हें, दिया बेटा। बाकी है लेसन, बाकी है। बाय बेटा, बाय। यहाँ देख देख के लिखना है हो, इस तरह तो। कर दिए बेटे, लाइए। कौन बाकी रहा? तुम अकेली जाओगी, कोई लेने आएगा? गुलशिफा ने। बाय बेटा। हाँ लपटी भर के नीचे जाने का, ठीक है। ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। हाँ नहीं, एक मिनट रुको, मैं फोन करूंगा। अब किसका लेसन बाकी रहा? कोई का नहीं। क्या हुआ आयशा, तुम्हारा हो गया? जाओ बेटा तुम दोनों घर जाओ। बेटे तुम घर चले जाना हो सीधे। बाय बेटा, बाय। बेटा मैं दो दिन से ये थैली लाता हूँ तो चॉकलेट लाना भूल जाता हूँ। वहाँ खड़े रहो तो बेटा, खड़े हो जाओ। लो बेटा ये ले लो। रुके बेटा तुम्हारे, जा बेटा तुम जाओ, अली जा, तुम्हारे मम्मी आ गई, जाओ नीचे है, जाओ। तान नाम गुलशिफा ने, तान नाम से बेटा गुलशिफा ने। कौन लेने आता है मैं पूछ लू आज उनको। हाँ एक मिनट रुको, जाना मत हो मुझे बिना बताए मत जाओ बेटा, ये बेटा बिना बताए मत जाओ, एक मिनट रुको, उनको आने दो, मुझे देखने दो।
कैफुद्दीन, तू कहाँ रहता है? ये ब्लॉक में तो तू यहाँ ही रहता है। ये कुत्ते काटते तो नहीं? कौन है बेटा लेने, मुझे बताना कौन है। एक मिनट, तुम हो लेने? ए बेटा एक मिनट, डूबी रे गुलशिबा, तुम लेने आए हो? इधर आओ, अब से तुम ना हो तो ये अकेली आ जाएगी घर। अब से तुम आओ नहीं तो ये अकेली घर आ जाएगी कि नहीं आएगी? पक्का? ठीक है, अभी लेकर जाओ। लेकिन अब से अगर मान लो ये अकेले आ जाने वाले हो तो मुझे जब छोड़ दे तभी बता दिया करो, हाँ, कि अकेले आ जाएगी घर। राइट।